कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं, मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रही है, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं, जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है, दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बताइएगा जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेजाबतियाँ हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेजाबतियाँ तो छोटा लफज है, जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोरे लगा के सबको हरवाया। क्या, जाली मोरे लग रही थी उस वक्त, आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर कोई दबाव था, किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है, ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतो तो आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है, मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं, सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमा है मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं।